नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, देश में अभी दो विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, हो रहे हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के सभी राउंडों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। वर्तमान में 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जनता मतदान करने जा रही है। तो आज हम इस खास चर्चा में कोशिश करेंगे समझने की, जो हरियाणा की जनता किन सवालों पर अपना मतदान देने की तैयारी कर रही है। जैसा कि हम जान रहे हैं, इस चुनाव में सीधे तौर पर देखें तो बड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दिख रहा है, दोनों पार्टियां आमने सामने। इसके अलावा देखा जाए तो हरियाणा के अंदर दो गठबंधन और हैं, एक INLD का जो BSP के साथ हुआ है, दूसरा आज़ाद समाज पार्टी का JJP के साथ अलायंस हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एक सीट CPM के लिए छोड़ी है और एक इंडिया अलायंस बनाने की फेस बताने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ जबकि BJP ने भी एक सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ी है। तो कह सकते हैं जो 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस और BJP का सीधा मुकाबला है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक के चुनाव प्रचार को देख के या स्थितियों को देख के लग नहीं रहा जो आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा अपना चुनावी निशान छोड़ने पे कामयाब होगी। तो आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ ऐसे लोग हैं जो हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा की जमीनी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं और लगातार इस पर लिखते बोलते रहे हैं। इसमें सबसे पहले हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्सिंह जी। ये कई बड़े मीडिया संस्थानों के लिए लिखते रहे हैं और वर्तमान में ये अपना हरियाणा फाइल्स नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर ये हरियाणा से जुड़े तमाम जो ज़रूरी सवालात हैं और लोकल राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं सत्सिंह जी। दूसरे हैं मनदीप पुनिया। मनदीप पुनिया को आप सब जानते हैं, गाँव सवेरा नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और किसान आंदोलन की हर छोटी खबर बड़ी बारीकी से और एक उसके साथ विश्लेषण के साथ ये खबर आम लोगों के सामने लेके आते रहे। इसके अलावा हैं प्रोफेसर राजेश्वरी मैम, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लगातार जो समाज के पिछड़े तबके हैं, खासकर महिलाओं के सवालों पर लगातार लिखती और बोलती रही हैं। तो अब हम इनसे विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो इस चुनाव में कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा हो रही है और ऐसे कौन से सवालात हैं जो इन चुनावी शोर के बीच में छूट गए हैं। सबसे पहले तो मनदीप जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप पूरे हरियाणा में चुनाव से पहले भी घूम रहे थे और अभी चुनाव में भी आप पूरा देखा है, तो इस हरियाणा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं और कौन से सवालों पर लग रहा है जिस पर जनता वोट देने की तैयारी कर रही है? देखिए, जो हरियाणा की जनता है वो तो साल 2020-21 से जो बात कर रहे थे किसान आंदोलन के दौरान से ही, वही कैसेट रिपीट हो रही है। आप लोगों से बात करो तो लोगों का वही कहना है कि किसानों के मुद्दे हैं, उसमें MSP बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, आशा वर्कर्स हो गई, उनके अपने मुद्दे हैं, मनरेगा वर्कर्स के अपने मुद्दे हैं। इसके अलावा जो मेन नुक्ता है सारे, अगर हम इन छोटे छोटे अगर क्लासेज में डिवाइड ना करके भी देखें और इन जार्गन्स का इस्तेमाल ना भी करें, तो देसी भाषा में लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार ने व्यवहार ठीक नहीं करा। जब भी हम सरकार से मिलने की कोशिश की हमने अपनी मांगों को लेकर, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई। उसमें से सरपंच हो, किसान हो, मजदूर हो, आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, या फिर स्टूडेंट्स हो जो फीस हाइक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर अग्निवीर का मामला हो, या फिर जो भर्ती घोटाले जितने भी रहे, 30 के आसपास भर्तियां कैंसिल हुई या आगे बढ़ाई गई, तो ये सारे मुद्दे हैं। ये मिलाकर एक सेंटिमेंट बना रहे हैं कि हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जो सरकार है उसने, और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो एक जो न्याय ना होना और व्यवहार ठीक ना करने वाला जो नुक्ता है, ये ज्यादा चल रहा है लोगों में। और दूसरा जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो ट्रेडिशनल हर कोई पत्रकार, हर कोई आदमी बोलता है कोई एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारा तो है, लेकिन सबसे मामला तो ज्यादा तो यही रहा कि BJP को समझ में ही नहीं आया कि जो हरियाणा के देहाती लोग हैं उनके साथ व्यवहार कैसे करना है। जो ग्रामीण नैतिकताएं हैं जो हरियाणा के साथ चलती आई हैं, उनमें एक हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हुआ। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर CM रहे, उनका जो CM आवास था वो देहातियों के लिए नहीं खुला था। आखिरी में मतलब 6 महीने बचे, जब कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई, एक
देहाती एक ओबीसी एक किसान के बेटे, ये तीन आइडेंटिटीज के साथ नायब सिंह सैनी को लेकर आया गया। कहा गया कि ये देहाती भी हैं, ये किसान के बेटे भी हैं, ये ओबीसी भी हैं। और नायब सिंह सैनी ने आते ही जो रूरल मोरलिटीज हैं, जो ग्रामीण नैतिकताएं हैं, उनका प्रदर्शन करने की कोशिश की। कहा कि मतलब सीएम हाउस खुला हुआ है, मंदिर डाके सो, यानी कि खाट डालकर आप सोइए उसमें। तो वो उस नुक्ते को बीजेपी पकड़ चुकी थी, उस नैरेटिव को, कि ये गड़बड़ कहाँ पे हुई है। और नायब सिंह सैनी ने शुरुआत ही वहां से की। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटा हूं मैं, लेकिन उनका नैरेटिव इसलिए फेल हो गया क्योंकि जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, वहां पे किसान आंदोलन चल रहा है। अगर वो अपने आप को किसान का बेटा कहेंगे कि मैं भी किसान का बेटा हूं, तो जो किसान आंदोलित हैं और आंदोलन में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर उनको कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वो कदम तो नहीं उठाए उन्होंने। ना ही जो उनकी बातचीत है, एक हिसाब से कहें कि किसानों के जो मुद्दे सोल्व करने के लिए उनकी उन्होंने उनको जितनी भागदौड़ करनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने की नहीं। इस वजह से उनका जो किसान का बेटा हूं कहने वाला जो नैरेटिव था, वो थोड़ा सा फुस हुआ। तो एक हिसाब से मेरे को लगता है कि जो हरियाणा के लोग हैं, उनके लिए पहला नुकता यही रहा कि जो व्यवहार उनके साथ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जो पुरानी वीडियोस थे, वो लगातार सर्कुलेट होते रहे। और उस सर, जो सर, पुराने वीडियोस हैं पिछले 5 साल के, उससे पहले के भी, उनमें दिख रहा है कि जो पुलिसिया व्यवहार है, पुलिसिया बर्ताव है लोगों के साथ, वो ठीक नहीं है। नेताओं का बर्ताव ठीक नहीं है, नेताओं से सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे। और इसके अलावा जो पुलिस की लाठियां हैं आंदोलनकारियों पे, वो सब एक बड़ा मुद्दा इस आंदोलन में बने रहे। मनदीप, एक आपने जनरल बताया जो स्टेट लेवल पे किसानों का जो आंदोलन पूरे देश में हुआ था उसका असर है और बाकी सवाल है, लेकिन स्पेसिफिक हरियाणा के किसानों के अपने सवालात जो क्या हैं? एमएसपी का तो है एक सवाल बड़ा, इलाके के हिसाब से क्षेत्रवार हरियाणा के अंदर कोई ऐसे लोकल इशू भी हैं जो कई लोकल स्थानीय स्तर पर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? देखो, ऐसा कोई मतलब अलग से स्पेशल तो नहीं है, लेकिन जैसे अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग किस्म के आंदोलन रहे हैं। जैसे हिसार इलाके में ज्यादातर फसल बीमा योजना के आंदोलन रहे हैं। दूसरा, हरियाणा में लगातार जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, उनकी चपेट में हरियाणा रहा है। जैसे घग्गर में पिछले साल बाढ़ आई थी, तो मुआवजे की लड़ाइयां रही किसानों के, जमीन के मुआवजे की लड़ाइयां हैं, क्योंकि बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे और उसमें जो किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई, उसके उसके आंदोलन चले। इसके अलावा तो मतलब मेनली तो तीन आंदोलन ज्यादा देखे गए। एक तो अपनी फसल खरीद के लिए, जो फसल बेचना चाहते हैं किसान, उसके लिए सूरजमुखी का आंदोलन हो, बाजरे का आंदोलन हो, या फिर धान की खरीद के लिए आंदोलन हो, और एमएसपी की तो है ही है, और साथ में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाई। और जो एक बड़ा रहा कि जो फसल बीमा योजना के खिलाफ, हिसार पॉकेट में खासकर ज्यादा बड़े आंदोलन देखे गए किसानों के। ठीक है मंदीप, आपके पास दोबारा आते हैं। सत्सिंह सर, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आपने हरियाणा का दौरा किया, नेताओं से बातचीत भी करी है, तो आप इस चुनाव में कौन से मुद्दे उभरते हुए देख रहे हैं और कौन से ऐसे सवाल छूट गए हैं जिसको आप जो चुनावी चर्चा में नहीं आ पाए? जी, पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है, इसका माहौल काफी समय पहले से ही तैयार हो गया था। और इसके लिए जो मैं ये मानता हूँ कि जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो जो किसान आंदोलन हुआ था हरियाणा में, जो हरियाणा के बॉर्डर्स पे हुआ था, टीकरी बॉर्डर पर हुआ था, शंभू बॉर्डर पर हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी किसान बैठे थे। उसके बाद अग्निपथ स्कीम वाला जो एक मुद्दा है, ये जो दो मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे हरियाणा को जिन्होंने झकझोर के रख दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट रहा। रूरल डिस्ट्रेस ऑलरेडी पहले ही पीक पर है। ऐसे समय में आप किसानों की और जवानों की बात सुनने की बजाय इन पर डंडे बरसाए जाते हैं, इनको अलग अलग उपनाम दिए जाते हैं। ग्रीवियंसेस एड्रेस करने की बजाय, जब मुख्यमंत्री जिस समय मनोहर लाल खट्टर थे, उस समय जो कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत करता था, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, तो ये मानिए कि जख्म तो दिए, और जख्म देने के बाद उन पर नमक रगड़ा भी गया। तो ये सारी की सारी बातें जो वोटर्स थे, खास करके रूरल सेगमेंट के, उनके दिमाग पर हावी रहे। ये तो गनीमत मानिए कि अभी चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है नायाब सैनी है, मनोहर लाल खट्टर नहीं है। अगर खट्टर साहब इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होते भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो शांति प्रिय आंदोलन चला है, शायद शांति हरियाणा के चुनाव में ना होती। और इस बार तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको गांव में एंटर भी करने दिया, कैंपेनिंग भी करने दी गई।
इस तरह का कोई मेजर बड़ी दिक्कत नहीं आई। कुछ जगह दिक्कत आई, जैसे दुष्यंत चौटाला के कैवलकेड के ऊपर हमला हुआ, FIR भी दर्ज हुई, एक आधो इस तरह की घटनाएं हुई। तो मैं ये मानता हूं कि ये पूरे की पूरी तरह से जो रूरल बेल्ट है उसके अंदर एक कोई भी पार्टी की सरकार हो, वादे कोई पूरे नहीं करते हैं, लेकिन इंटेंशन भी ना हो और उसके बाद लाठियां बरसाई जाए, ह्यूमिलेट किया जाए, इंसल्ट किया जाए, ये सब इस चुनावी माहौल में लोगों को याद आता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो कुछ जो पत्रकार हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में भी इस बार कुछ कुछ देखा गया कि अच्छा काम हुआ है और लोगों की वो सारी मेमोरीज जो है रिफ्रेश रखी। तो मैं ये मानता हूं कि इस बार जो वोटर्स हैं सही मायने में डेमोक्रेसी में जो एक वॉइस होनी चाहिए, हरियाणा की वॉइस 9.5 साल से म्यूट कर रखी थी, अब वो अनम्यूट हुई है और लोगों ने पिछले 9.5 साल का जो गुस्सा आया, हालांकि 2019 में उन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया था लेकिन चूक रह गई थी, दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ दिया, इस बार दुष्यंत चौटाला का और बीजेपी का हरियाणा जो है पक्का इलाज कर देगी। मैं तो इस चुनाव को इस तरह से देखता हूं। राजेश्वरी मैम, आप भी इस चुनाव को देख रही हैं, प्रोफेसर भी हैं, सामाजिक चिंतन आप देखती बाहर से करती रहती हैं। आपने इस चुनाव को कैसे देखा और लोगों आपकी एक राय क्या है इस चुनाव के बारे में? मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने ठीक तरीके से बताया है। ये इस चुनाव में की एक खास बात ये रही कि जो फॉल्स नैरेटिव्स बनाए जा रहे थे पिछले दो चुनावों से, इस बार कोई फॉल्स नैरेटिव अपने आप में नहीं चल पाया। और जो लाइवलीहुड के जो मुद्दे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये मुद्दा मुद्दा हावी रहा इन चुनावों में। रोजगार से संबंधित, मतलब किसानों के जो मूवमेंट का मूवमेंट जो रहा है, ऑफ कोर्स उनके जीवन यापन में किस तरीके से एग्रीकल्चर की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और MSP पर उसकी खरीद नहीं हो रही, ये अपने आप में जो ये एक लंबा मूवमेंट चला किसानों का, ये हर जगह पहुंचा, हर एक को इस मुद्दे ने छुआ। इसके अलावा ये तो हम सब जानते ही हैं कि भयंकर बेरोजगारी है, और जो पेपर लीक्स का जो बच्चों ने महसूस किया वो भी मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बना। और इसके साथ ही अग्निवीर का मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में रहा। और जो अपने संघर्ष हैं रोजमर्रा के जीवन के, ये संघर्ष आप अब इस चुनाव में जो फॉल्स नैरेटिव्स थे, या मैं तो ये भी कहूंगी ये बात नहीं है कि कास्ट को पूरी तरीके से भुला दिया गया है किसी भी कारण से, लेकिन उसके ऊपर इन मुद्दों को तरजीह दी गई है पूरे हरियाणा में ही, और रूरल एरिया में खास तौर पे ये देखने को मिल रहा है। अर्बन एरिया में हालांकि थोड़ा सा कम है, अभी भी लोग जो मैं देखती हूँ, महिलाओं को भी और बाकी लोगों को भी, अभी कहीं कहीं पर ये सारे मुद्दे उस तरीके से जितने रूरल एरिया में सामने आते हैं उस तरीके से नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं वो इस चुनाव में नहीं बने कि डंका बज रहा है या जो खोखला देश प्रेम है, उस तरीके की बातों से थोड़ा बाहर आए हैं लोग। और ये भी बात सही है कि क्योंकि दोनों महिला पहलवान हरियाणा की थी, तो उनसे संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो महिलाओं पर हिंसा है, अत्याचार है, वो थोड़ा सा लाइमलाइट में रहा। हालांकि इस पर बहुत और व्यापक बहस होने की जरूरत थी जो नहीं हो पाई। हालांकि फिर भी क्योंकि वो दोनों पहलवान यहाँ से थी और उनके साथ जो भी हुआ, जिस तरीके का मूवमेंट पिछले 1 साल में रहा उनके लिए, और उनके साथ जो अन्याय हुआ, और जो प्रेजेंट सरकार उनके साथ में खड़ी रही, अन्यायी जिन्होंने जिन्होंने पर जिन्होंने किया अत्याचार, उनके साथ सरकार खड़ी हो गई बजाय कि उन लड़कियों से बातचीत करने के, तो ये मुद्दा हरियाणा के लोगों की साइकी में इसने अपनी एक जगह बनाई। लेकिन जो मुद्दे नहीं रहे जो होने चाहिए थे इसके साथ ही, इन इन सबों के साथ, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे लाइवलीहुड का जो मुद्दा है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है और जिस पर लोगों ने अपनी
अपनी बात रखी और इस पर वो जाकर वोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में हालांकि कांग्रेस की सरकार ने ये कहा है कि वो 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा एक तरीके से लॉन्च करेंगे अगर वो आ जाते हैं सरकार में, लेकिन दो और मुद्दे स्वास्थ्य का और शिक्षा का और लार्जर जेंडर वाले 3 मुद्दे मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा कम कम जिन पर बातचीत हुई। इंश्योरेंस ये तो सही है कि आप हमारी बीमारियों का स्वरूप चेंज हो रहा है और इनको डील करने की जरूरत है, लेकिन इस पर व्यापक बातचीत होने की जरूरत थी। कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस उस तरीके से हेल्थ केयर लोगों की संभाल नहीं सकती है। मतलब हमारा अपना जो एक हेल्थ केयर का सिस्टम बना हुआ ढांचा जो था, जिसमें सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं, तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करते हेल्थ केयर के स्ट्रक्चर को, तब तक हम प्राइवेट इंश्योरेंस से हेल्थ की समस्याओं को निजात नहीं पा सकते। क्योंकि ये सब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है और किस तरीके से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ रहा है और वो उनको गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये इस पर बहुत व्यापक बातचीत होने की जरूरत थी और इसके बारे में मुझे लगता है कि इलेक्शन में दोनों ही पार्टी, मतलब कांग्रेस ने हालांकि कहा, लेकिन ये मुद्दा मेरे को लगता है उस तरीके से सामने नहीं आया। दूसरी बात एजुकेशन की भी है, हालांकि हम एनईपी की बात करते हैं, लेकिन जो 4 साल का बीए का प्रोग्राम शुरू किया गया है एनईपी में, तो मतलब और महिलाओं की, क्योंकि पैरिटी है, उतनी महिलाएं लड़कियां भी हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रही हैं जितने लड़के या उससे ज्यादा, तो जेंडर पैरिटी करके इस इश्यू को समझा जाता है कि विमेन की एजुकेशन सॉल्व हो गई है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन ये एक बहुत गहरी चीज है जिस पर बात होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से लिंक नहीं है, क्यों हमारे लड़के हायर एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। हालांकि ऑफ लेट राहुल गांधी ने इन चीजों को उठाया है कि बेरोजगारी अपने आप में किस तरीके से युवाओं को मजबूर कर रही है बाहर जाने के लिए, लेकिन दोनों ही पार्टियां उसको इलेक्शन में इस तरीके से कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है और एजुकेशन का रोजगार से संबंध जो नहीं है और जेंडर वायलेंस के जो के इश्यूज हैं, ये बहुत विस्तार में जिन पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी मैम, बेसिकली सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल और महिला सुरक्षा, ये तीन सवाल प्रमुखता से उस तरीके से नहीं आए। सज्जी, मैं अब दोबारा आपके पास आना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। जो ये खास तौर पे बीजेपी जो रही है वो धर्म की राजनीति करना पसंद करती है, और पिछले पिछले चुनाव में भी हमने देखा, धारा 370 का सवाल हो या कश्मीरी या हिंदू राष्ट्र के बात पे चुनाव, 2019 का चुनाव हुआ था, हम घूम रहे थे, उसमें चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार उस तरह का प्लॉट तैयार होता हुआ नहीं दिखा। खासकर मेवात में जो पिछले साल नुहू में, नल्लड़ में जो हिंसा हुई, और उसके बाद जो एक उम्मीद जताई जा रही थी दिल्ली में बैठे ये बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने और जिस तरह से रोका, और अब दिख रहा है जो बीजेपी एक तरीके से जो कांग्रेस के पक्ष में एक दलित वोट बैंक खो रहा है उसको तोड़ने की एक कोशिश उन्होंने की, और एक जो अलायंस बना है उसको कई लोग दावा कह रहे हैं, हरियाणा के जानकार कई लोग कह रहे हैं जो ये बीजेपी का कराया हुआ अलायंस है, तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं जो राजनीति के अंदर ये पक्ष आया है, बीजेपी का एक बदलाव दिख रहा है? जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है। सवाल का जवाब ये है कि हरियाणा में देखिए अलायंस किसका हुआ है, अलायंस जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर की पार्टी के साथ हुआ है, एएसपी आजाद समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है, मायावती वाली पार्टी है, और दोनों के दोनों जो अलायंस हुआ है वो दलित वोट्स को प्रभावित करते हैं, और बीएसपी तो खास करके, और कभी बीएसपी का एक विधायक हरियाणा में रहा भी है, अकरम खान जो यमुनानगर साइड से विधायक बने थे। तो ये बात सही है कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर भी जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है,
उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी से वो वोट बैंक खिसक करके वो कांग्रेस के पक्ष में आया। तो जिस समय ये हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि हमारा जो मूल वोट बैंक है, दलित समाज हमारा मेन वोटर है, क्योंकि कभी एक ऐसा समय था कि जो हरियाणा का डोमिनेंट कास्ट जाट है वो कांग्रेस को वोट नहीं देता था, वो रीजनल पार्टी को, इंडियन नेशनल लोकदल को, देवीलाल उस समय हुआ करते थे, उनको वोट दिया करते थे। एक समय ये भी था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़ते थे रोहतक से, तो उनको शहर से वोट मिलता था, गांव से वोट नहीं मिलता था। लेकिन समय बदल गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इमेज को बदला, किसानों के लिए कुछ जो कुछ भी किया वो 10 साल में किया। उसके बाद बीजेपी है और बीजेपी ने जिस तरीके से किसानों के इश्यूज के तो सारा का सारा मैसअप हुआ, ऐसा किसानों का आरोप भी है, उसमें किसानों की एमएसपी की बात है, वो आज तक इश्यू एड्रेस भी नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये सारी बातें हिंट ये देती हैं कि बीजेपी ने अपनी भरपूर कोशिश की, कुमारी शैलजा का जो इशू है कि कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप से खुश नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने भी कभी इसको डिफेंड नहीं किया, जो जो बीजेपी ने जिस तरीके से भी उनके नाम का यूज करना चाहा या मिसयूज करना चाहा, तो जो जो चीजें सूट करती थी कुमारी शैलजा को वो सारी बातें ठीक है। लेकिन असली बात है मेन वोटर, जो वोटर है लोकसभा में, जो उनका मूड था, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में उनका मूड वही है, वो इस बार बीजेपी से छिटक चुके हैं। और कल जब राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में थे और बीजेपी के पास हरियाणा में ले दे के एक ही दलित नेता थे, अशोक तंवर, जो कि उन्होंने पुराने कांग्रेस कांग्रेसी थे। पार्टी से एक तरह से उधार, पुराने कांग्रेसी थे और वो जो है 2009 से लेकर 2014 तक सिरसा के सांसद भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो वो देखिए दोपहर को वो जो है कैंपेनिंग कर रहे थे सफेदों, जींद के सफेदों में बीजेपी कैंडिडेट के लिए, उसके बाद 152D वाला हाईवे पकड़ते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं महेंद्रगढ़, और राहुल गांधी की प्रेजेंस में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेजेंस में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे हरियाणा की राजनीति तो वैसे भी आया राम गया राम के नाम से प्रसिद्ध है कि कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, तो अशोक तंवर तो 4 पार्टियां बदल चुके हैं। लेकिन ये देखिए दलित के नाम पर आज बीजेपी के पास कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जिसका वो नाम ले सके, जबकि कांग्रेस पार्टी में जो एचपीसीसी के प्रधान हैं उदय बान हैं, कुमारी शैलजा जैसी बड़ी लीडर हैं और अब अशोक तंवर भी आ गए हैं। तो ये जो दलितों वाला मुद्दा है, सारा का सारा एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है। और पूरी चुनाव में बीजेपी ने दो ही मुद्दों को छेड़ा है, एक उन्होंने टारगेट किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि अगर कांग्रेस हरियाणा में, हुड्डा कांग्रेस बन चुकी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस बन चुके हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को आगे प्रमोट करने के लिए सारा का सारा व्यूह रचना कर रहे हैं। और दूसरा इशू उन्होंने जो किया है वो रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा में बीजेपी को घेरा है उसी तरीके से बीजेपी इस बार कोशिश में ये थी कि कांग्रेस को दलितों के नाम पर घेरा जाए, और खास करके जो राहुल गांधी विदेश में जाकर के जिस तरह से रिजर्वेशन वाले इशू को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वोटर जो है इस बार, खास करके एससी वोटर जो है, पूरा पूरा अपना मन बना चुका है और कोई खास जो है उन बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। मैम, आपने चुनाव में, मैंने वही देखा जो अभी सत्संग बता रहे थे, बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति पर ही केंद्र चुनाव प्रचार कर रही थी, अभी हम जस्ट झारखंड में देख रहे हैं जो हो रहा है, और पूरी राजनीति उन्होंने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लड़ने की तैयारी की है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में उस मामले में थोड़ा बैकफुट पर आते दिखे। इसके पीछे बदलाव आप क्या देख रही हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा उनको? एक तो ये सही बात है कि किसानों का जो मूवमेंट रहा 2020 से ही, और
ये सही बात है, हरियाणा के चुनाव अलग हैं बजाय कि और किसी प्रदेश के चुनाव के। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि यहाँ पर भी 370 धारा 370 के बारे में बोले, लेकिन अपनी लाइवलीहुड के मुद्दे लोगों को ज्यादा बड़े लगे, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं इन चीजों से। जो हमारे यंग पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत दुखी है, और दुखी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जमीनें बेच बेच के, पहले ये जो पूरा ट्रेंड पंजाब में था कि बाहर जाने का जो ट्रेंड, ये पिछले 3-4 सालों में हरियाणा में बहुत बहुत लोगों ने इसको, मतलब इसको इसको झेल रहे हैं जमीनें बेच के, क्योंकि बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कॉलेज में अगर आप देखें तो लड़कियां ज्यादा हैं, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट अगर आप देखें। हम क्लास में पूछते हैं लड़कों को क्या हुआ, कहते जी वो तो गया विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, आयल्स के पेपर दे रहे हैं और विदेश जा रहे हैं। मतलब जो उसके साथ ही एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ पर नौजवानों की फौज में जाती रही है। तो ये जो जो रोजमर्रा के जीवन यापन के जो मुद्दे हैं, ये जनता को, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसके कारण ही ये सरकार समझ गई, इन्होंने तो बहुत कोशिश की ये सब करने की, लेकिन जब देख लिया कि लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा, धारा 370 को तो इस चुनाव का भी मुद्दा बनाने की कोशिश करी, स्थानीय स्थानीय मुद्दों पर आकर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो लोगों को लगा कि, और इनका झूठ झूठ मतलब जो भी ये बोलते हैं वो करते तो नहीं है, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। और ये चीजें, क्योंकि जो इन्होंने किसानों के साथ किया और जो मूवमेंट किसानों के साथ करने के बाद जो जो इनको बोला गया, क्योंकि सभी देख रहे थे, सभी का पार्टिसिपेशन था उसमें, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन था, तो जब उन्होंने देखा कि ये इस कदर जा सकते हैं, इतना झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारे किसानों ने जान गंवाई अपनी, तो ये जब इस तरीके की चीजें हुई, किसान कुचले गए एक नेता के बेटे की जीप के नीचे, और उसके लिए मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। महिलाओं का भी मुद्दा इसी तरीके से, वो लड़कियां गांव की हैं, हमारे ही परिवारों की लड़कियां हैं, जब उन्होंने देखा पहलवान कि वाला इनके सवाल जो साथ था, पहलवान वाला, तो उस मुद्दे पर भी इन्होंने परख लिया बिल्कुल कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं है एक स्लोगन के अलावा। तो ये सारे मुद्दे जो, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ बिल्कुल, आप हम सब जानते हैं कि ये इनकम इन 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 इलास्टिक है, जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो उसमें उसका भाव गिर जाता है। टमाटर कोई नहीं कहने आता कि आप 2 रुपए किलो में क्यों बेच रहे हैं, किसान को पूछता नहीं है। तो ये सारे मुद्दे मतलब जो जो लोगों को फील हो रहे हैं, जो उनको चुभ रहे हैं, जो बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जो महंगाई वो देख रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे बाकी सारे जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं उससे उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आए। और ये भी बात सही है कि सरकार का रवैया सभी के प्रति, सभी सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के प्रति बिल्कुल अलग तरीके का रहा। ये तो सही बात है कि चुनाव में उन्होंने बोला कि हम भी 2100 रुपए हर महिला को देंगे, अगर कांग्रेस ने भी बोला 2000, लेकिन 2000 पर महिला को देंगे, लेकिन इस पर भी बहुत व्यापक बहस होने की जरूरत है कि विमेन की जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है उसमें भागीदारी कम हो रही है। आप देखेंगे कि हरियाणा के रूरल एरिया में अगर आप गेनफुल एनएसएसओ का डेटा देखें तो जी 9.8% महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी ड्रजरी कम हो रही है या वो काम कम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो खेत का काम है, जो भैंस का काम है, जो घर का काम है, वो डोमेस्टिक ड्यूटी का हिस्सा है। तो सारा जी का सारा उन्होंने जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में विमेन है भी, तो उसको काम से निकाल दिया। मतलब जो SNP है आपका, काम काम में जिसको माना जाता है, कहा ये तो तुम्हारे घर का ही काम है, और उसी तरीके की सोच भी हो रही है। विमेन खुद भी कहती हैं कि हाँ मैं तो घर के काम में लगी हूँ, जब तक कि हाँ उसको इनकम नहीं मिल रही उस काम से, जबकि वो अपने लिए अपनी कंजम्पशन के लिए काम नहीं कर रही, वो खेत में जब काम कर रही है तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, जो वो नर्सिंग कर रही है बीमार आदमी की, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है।
मतलब आपने बजाए कि उनको उन चीजों को पहचानने के, विमेन के नौकरी वर्क लग को वैल्यू करने के, उसकी जो इनविजिबिलिटी है वर्क में, वो और ज्यादा इनविजिबल हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी मतलब मैम, सब वो कुछ काम के उनके, दौरान वर्कफोर्स के तौर पर अदृश्य कर दी जाती है महिलाएं, हाँ उन्हें जी काम की गिनती बिल्कुल नहीं हो रही है बिल्कुल, काम अब में गिनती नहीं है उनकी। और वो जो बिल्कुल सब्सिडरी वर्क भी पहले जो माना जाता था, उससे भी उसको हटा दिया गया, वो जी सब्सिडरी वर्कर भी अब नहीं है। तो जी ये सारे मुद्दे जो हैं, जिनके कारण सरकारों को विवश होके कहना पड़ा कि हम तुमको देंगे 2,000 रुपए या 2,100 रुपए। मतलब ये एक अच्छा कदम है, बढ़िया बात है, लेकिन व्यापक रूप से अभी भी सरकारों की सोच वो नहीं है कि आप उनके काम को पहचानवा रहे हैं, या जी पेट्रियार्कल जो वैल्यू सेट्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं आप। तो जी ये ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सामाजिक सवाल ज्यादा है, जी समाज में ही जी महिलाओं की पहचान उस तरह से गुम होती जा रही है, करने की गुम की जरूरत जाती है। है। तो सत्सिंह सर, जैसे रोजगार का सवाल इन्होंने बताया, जो सांप्रदायिकता या जाति धर्म के सवाल से ज्यादा हरियाणा में जो जमीनी सवाल है उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। और जहां तक विदेश जाने की बात हुई, आपने भी रिपोर्ट किया था युद्ध के बीच में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं से गए तो वो हरियाणा से इजराइल भेजे गए, एक तो वो सवाल है सर। वो जो रोजगार का सवाल कितना बड़ा सवाल इस चुनाव में है, दूसरा इसी इसमें एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना समझना चाह रहा हूँ, जो ये दोनों चौटाला हैं, बड़े चौटाला साहब छोटे चौटाला साहब, INLD और JJP, इन दोनों की क्रेडिबिलिटी और जो सवाल जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जनता कितना इनको अपना रही है या जनता का रवैया इनको इनको लेके जनता की राय क्या है? आपके दो सवाल सवाल के दो पार्ट हैं। चौटालाज की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी बात करेंगे। देखिए चौटाला में अभी ओम प्रकाश चौटाला तो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है और देवीलाल के सुपुत्र हैं। लेकिन इस बार उनके बेटे जो हैं अभय चौटाला, वो एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला बहुत टाइट है। उसके बाद जो बड़े बेटे हैं अजय चौटाला, उनके सुपुत्र दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका तो ये मानिए कि 2019 में 10 सीटें आई थी और BJP के खिलाफ इन्होंने मैंडेट दिया था लोग वोटर से, और उसके बाद BJP के साथ हाथ मिला लिया था। लोग उस बात से इतना गुस्सा है, जितना वो BJP से गुस्सा है उससे डबल वो दुष्यंत चौटाला से गुस्सा है कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। तो इस बार अगर वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बचाए जाए उचाना से तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा जो अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं रानिया से, उनकी स्थिति ठीक है, हो सकता है वो चुनाव निकाल लें। उसके अलावा दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, वो डब्बाली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव टक्कर टक्कर में तो है। तो ये चौटाला जो हैं ये चुनाव लड़े, एक आदित्य चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि उनको जो एक एडवांटेज होता था कि वो चौटाला लीगेसी से आती हैं, इस बार उनको बेनिफिट की बजाय नुकसान हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2004 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और उसमें लाइन ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू था, उसके अलावा आम लोगों का जो जीवन है वो काफी कठिन हो गया था। हालांकि रीजनल पार्टी होने के कारण उनको उनका सपोर्ट बेस काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे सरकार के दिन आगे बढ़ते 2004 तक बहुत अनपॉपुलर हो गए, और इतना अनपॉपुलर हो गए कि दुष्यंत चौटाला को जब अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू करना था तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इमेज इसी बात के लिए बदली थी कि मैं जिस तरीके से चौटाला फंक्शन करते हैं, जिस चौटाला जिस जिस तरीके से उनका एक अलग ही स्वैग होता है, और वो एक बार अगर किसी ब्यूरोक्रेट को फोन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को, SP को फोन करते हैं, और जिस तरह से वो धमका के बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हरियाणा अब काफी आगे निकल चुका है, और इस तरह से मतलब रूल जो है वो पसंद नहीं करते, खास करके युवा पीढ़ी। तो चौटालाज आप ये मानिए, हो सकता है इस बार विधानसभा में एक या दो चौटाला लीगेसी से कोई विधानसभा में चला जाए, उससे ज्यादा इस बार चौटालाज के लिए चुनाव नहीं है। बंसीलाल की क्लैन से भी दो व्यक्ति, दो श्रुति और जो है अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध चौधरी जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक हारेगा तो एक ही विधानसभा जा पाएगा, और दोनों एक ही जलाल की विधानसभा क्लैन लड़ भी से रहे। हाँ एक ही विधानसभा में आमने सामने, तो शाम से दोनों लड़ रहे हैं तो एक ही जाएगा, ये तो कंफर्म ही है, बीजेपी कांग्रेस में से जो भी होगा। बंसीलाल की क्लैन, सॉरी भजनलाल की क्लैन से भी एक ही चुनाव लड़ रहे हैं, भव्य जो पोते हैं भजनलाल के, तो उनकी स्थिति ठीक है, वो भी विधानसभा जाएं। लेकिन इस बार क्लैन का फायदा किसी को नहीं मिल रहा है, और मनोहर लाल भी अपने आप में एक बड़ा नाम बन गए थे, लेकिन जितने अनपॉपुलर ये हो गए हैं वो हमने चर्चा भी की है, तो इस बार क्लैन वाले जितने भी हैं हरियाणा में डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है, और बीजेपी जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को इश्यू को लेकर के नेशनल पॉलिटिक्स करती थी, इस बार इतने उन्होंने बेटे बेटियों को टिकट दिया है सांसद और विधायक के, कि आप ये मानिए डायनेस्टी का तो इश्यू अब बीजेपी उठाती नहीं। अब सवाल का पहला पार्ट जो बेरोजगारी का है, सर बेरोजगारी इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है कि बहुत बड़ा इशू है। अग्निपथ वाला जो इशू है, आम परिवार के पास सिर्फ एक ही ऐसा साधन था, एक ही मीडियम था कि वो अपने परिवार का ठीक ठाक भरण पोषण कर सकता था, अगर वो फौज में भर्ती हो जाए, 10वीं पास की 12वीं पास की और फौज में भर्ती हो गए, पक्की नौकरी होगी और नौकरी के बाद पेंशन मिलती थी। लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम आई है जिसको अग्निवीर से अग्निवीर सर, बनाते हैं, चार अग्निवीर साल नहीं, स्कीम का नाम अग्निपथ है लेकिन जो बनते हैं नौजवान उनको जान, अग्निवीर, हाँ अग्निवीर नौजवान कहा जा रहा अग्नि, है। उनको अग्निवीर कहा जा रहा है, तो उससे मैं ये मानता हूं कि पूरा का पूरा जो रूरल बेल्ट है वो पूरी की पूरी इसमें नाराज है, ना सिर्फ रोहतक के आसपास के जाट बेल्ट बल्कि अहिरवाल बेल्ट, अहिरवाल बेल्ट बीजेपी की एक तरह से कट्टर सपोर्टर रही है, सबसे ज्यादा सपोर्ट बीजेपी को पावर में आने के बाद वहीं से मिलता है, राव इंद्रजीत तो वहां के बड़े नेता हैं, तो सबसे ज्यादा गुस्सा जो रूरल सेगमेंट में है, कटिंग अक्रॉस द रीजंस, बांगड़ बेल्ट हो गई चाहे जाट बेल्ट हो गई चाहे अहिरवाल हो गया, सभी के सभी नाराज हैं बीजेपी से इसके बारे में। एक और इशू है जो आपने अभी टच किया, बहुत ही सीरियस इशू है, कि हमारे जवानों को अब ये लगने लगा है हरियाणा के खास करके कि अब आपका इंडिया में कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से विदेश जाना चाहते हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप का पैसा है तो वो एजुकेशन के नाम पे बाहर जाएंगे, जो कैसी मिले, चाहे वो ट्रक ड्राइवर की मिले, स्टोर कीपर की मिले, उनको विदेश जाना है, उनको ये पता है कि आप यहाँ रह करके आपको सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, और अगर मिलेगी तो आपको एक दो किल्ला जो है आपका जमीन बेचनी पड़ेगी, और उसके बदले आपको अगर नौकरी मिल गई तो इससे बेटर है कि आप इन्हीं अपनी जमीन को बेच करके आप विदेश चले जाओ, कम से कम वहां उनकी अगली जो पीढ़ी है कम से कम वो तो सेफ है, क्योंकि बाहर का सिस्टम जो है एक फुल प्रूफ है, जो मेहनत करता है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो सीढ़ी पकड़ के आगे बढ़ जाता है। हरियाणा में जो पॉलिटिक्स में साइकोफेंसी है वो कुछ इस कदर हावी है कि आपको बैकडोर एंट्री मिल जाती है, आपको पैसों के बदले में नौकरी मिल जाती है। अब जब कांग्रेस को दोबारा से कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है, तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि नौकरी किसको मिलेंगी, 2 लाख नौकरियों का वादा तो कांग्रेस ने कर दिया है, लेकिन वो 2 लाख का शेयर किसको मिलेगा, क्योंकि वही पिछले खर्ची दिनों पर्ची वाला बहुत सवाल जो है हरियाणा के अंदर। जी, बहुत सारे विधायकों का भी मुंह से निकला है ये बात कि हर विधायक को कोटा मिलेगा, और आप अगर 200 वोट लेके आओगे तो बदले में आपको 20 नौकरियों का कोटा मिलेगा, इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स आई है। तो जो मेरिट वाले बच्चे हैं, जो वाकई में पढ़ते हैं, जो थ्रू आउट एक मेरिटोरियस रहे, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि बीजेपी के बाद अगर कांग्रेस आ गई और लेकिन जॉब्स के अंदर भी ये बैकडोर वाला और मनी बैग्स वाला सिस्टम अगर बंद नहीं हुआ तो उनके लिए उनका जो फ्यूचर है दैट हैंग्स फायर, और क्या उनको भी विदेश का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश में भी आप देखिए कनाडा के अंदर अगर कहीं किचन में एक वेटर की नौकरी मिलती है तो उसके लिए 300 300 400 400 लोग वहां लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, तो विदेश में भी अब क्राउडेड हो गया, इतना आसान नहीं रहा है। तो हरियाणा का जो भविष्य है युवाओं का वो वाकई में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है जी कि आखिरकार क्या होगा, उनकी चिंता नहीं मिटी है, सरकार बेशक बदलेगा लेकिन सिस्टम वही है,
सिस्टम बदलने की बात ना कांग्रेस ने लोगों के सामने रखी। उन्होंने ये कहा है नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी मिलेगी किसको, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस को पावर में आने के बाद एड्रेस करना पड़ेगा। मैम आखिरी में एक सवाल आपसे, जो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो एक अनपॉपुलर था देश भर में, एक राजनीति में, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में इस समय सबसे, चुनावी परिणाम क्या होंगे, लोग किस तरफ मतदान करेंगे वो तो चुनाव नतीजे के समय दिखेंगे, लेकिन एक पॉपुलर फोर्स के तौर पे कांग्रेस दिख रही है, उसने ऐसा क्या बदला है चुनाव में, ऐसे कौन से सवाल उठाए हैं जो आपको लगता है जिसने पूरे सिनेरियो को चेंज करने में दिख रही है, संक्षेप में मैम? हाँ, मुझे ये लगता है कि जो लोगों की पहुंच है, मतलब जैसे कह रहे थे कि जो तीन परिवार हरियाणा में थे, तो उन तक पहुंच लोगों की, लोग ये चाहते हैं कि हमारी अपनी एज अ वोटर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो किसी से, मतलब जो जो नेता बन रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपनी विजिबली पहुंच बढ़ाई है लोगों के बीच में। मतलब जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि पूरे हरियाणा में सारे कांग्रेसियों की पहुंच लोगों तक बढ़ी है, लेकिन मोर और लेस ये बात लोगों में गई है, हरियाणा के लोगों में भी, कि यहाँ हम अभी अप्रोच कर सकते हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं, मतलब ये विजिबल रहे इस पूरे दौरान में, किसान मूवमेंट के दौरान में, चाहे आप कहें या ये ज्यादातर राहुल गांधी की यात्रा के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सेसिबल बनाया लोगों को, और तो ऐसे लगता है कि, और कैंडिडेट से भी लोग चाह रहे हैं कि वो हमारी उन तक सीधी पहुंच हो, मतलब ये नहीं है कि परिवारों की जो लीगेसी रही है हम उन्हीं परिवारों को मतलब इसीलिए उन परिवारों की पहुंच या उन परिवारों का जो जो एक पूरा था कि उन्हीं को ही लोग लगातार वोट दे रहे हैं, वो घटा है, क्योंकि वो पब्लिक स्पेस में उस तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। तो जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, जो दिख रही है, तो ये एक मुख्य कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी अपनी पहुंच बना पाई लोगों तक, जी या मैम, इस तरीके का कांग्रेस जनता के इम्प्रेशन करीब आई क्रिएट, है। हाँ, इस तरीके का इम्प्रेशन क्रिएट कर पाई। जी और मैम, ये तो बात सही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी रही है, लेकिन नंदलेस जो जब ये पावर से बाहर थे तो लोगों तक ये पहुंचे भी हैं, तो वो एक बड़ा बड़ा श्रेय इस बात को देना चाहिए। और क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर, सभी सभी जगह पर, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली चीजों को ने चुन चुन कर आरएसएस और बाकी लोगों को रखा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारी इंस्टीट्यूशंस नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीजों को महसूस किया है। खर्ची ठीक, पर्ची का जो सिस्टम वो कहते हैं, वो बहुत सारे लोग बिना कैमरा के मानेंगे इस बात को, और जिसने पैसा दिया है वो कैसे हाँ भरेगा कि मैं बिना पैसे के लगा हूं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है जो सत्सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इन चीजों से किस तरीके से निपटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम इनको बनाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि ये रहें सत्ता में और वाकई लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और लोगों के जीवन यापन जो मुश्किल हो रहा है, महंगाई की समस्या है, जी ये तो सही है। पॉपुलर आप कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको ये सारी चीजें हरियाणा जैसे प्रदेश में आपको बहुत अच्छे तरीके से संभालनी पड़ेंगी, तभी तभी एक अच्छा शासन हम जिसको कहते हैं कि वो। सत्सिंह जी, आखिरी आपसे आखिरी कमेंट भी इस चुनाव को लेकर, जैसे उन्होंने कहा जो कांग्रेस जनता के करीब आई है, खासकर जब से राहुल गांधी ने देश भर में यात्रा करी तो बाकी नेता भी अपने इलाकों में निकले, हरियाणा में कई सारी यात्राएं निकली, इस सब के अलावा इस चुनाव में बाकी चुनावों से क्या ऐसा एक डिफरेंस आप देख पा रहे हैं हर पार्टी के लेवल पे, आप अगर कुछ बता पाए संक्षेप में तो? सर, इस चुनाव में जो अलग सा देखा गया, बेसिकली बात तो ये है कि चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी,
चुनाव जो है जनता लड़ रही थी, और जनता के अंदर किसान और जवान वो फोर फ्रंट पे थे। तो आप एक तरह से ये मानिए कि मुझे याद नहीं कि कांग्रेस ने कोई सड़क पर आकर के किसी भी मुद्दे के लिए इस तरीके से एग्रेसिवली कैंपेन किया हो। तो पार्टी लेवल पर तो उन्होंने काम किया है, लेकिन जनता के इश्यूज को उठाया हो उन्होंने, और जनता को ये लगा हो कि वाकई में कांग्रेस ने हमारी मदद की। तो लेकिन जनता बीजेपी से इतना त्रस्त हो चुकी थी कि उनको सजा करके कांग्रेस को दिया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि जनता, जिस तरह से किसान आंदोलन में एक मोबिलाइजेशन हुआ था, उसका बेनिफिट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इससे इसीलिए मिला कि वो विपक्ष की सबसे बड़ा दल है। इसके अलावा उन्होंने पिछली बार दुष्यंत चौटाला पर भी ये भरोसा जताया था, 10 विधायक दिए थे कि चलो अगर हम जो कांग्रेस को नहीं देना चाहते वो दुष्यंत चौटाला को दे देते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ मिल गए, तो मैं ये मानता हूँ कि इसका अलग बात है कि ये बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है। यही इस जी जी बात की इसकी खूबसूरती है, यही अलग है इसमें। धन्यवाद सर, आप दोनों जुड़े और मनदीप भी जुड़े थे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हो सकता है चुनाव के बाद और इस बीच में फिर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि अभी अपनी चर्चा में हमारे जो भी विश्लेषक थे उन्होंने साफ तौर पर जो दो मोटी बातें समझ में आई, एक तो ये जो ये चुनाव जो हरियाणा का है इसमें किसी भी तरह के बनावटी मुद्दों के लिए उस तरह की जगह नहीं दिखी, ये चुनाव पूरी तरीके से जनता जो पिछले 5 सालों से हरियाणा के अंदर अपने सवालात को लेकर संघर्ष कर रही है उसी के आसपास गोलबंद होता हुआ दिखा है, चाहे वो किसानों के फसल का दाम हो, चाहे नौजवानों के लिए नौकरी का सवाल हो, या फिर सार्वजनिक शिक्षा बचाने का सवाल हो। इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार सत सिंह जी ने कहा, जो ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, हो सकता है जो किसी पार्टी को उसका फायदा मिल जाए, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है जो पिछले जो 5 साल सरकार रही है उसने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। तो अब ये देखना होगा चुनाव परिणाम आते हैं तो इन सारे मुद्दों का क्या असर होता है, और या फिर चुनावी नतीजों में भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो चुनावी चर्चाएं अलग तरीके पे होती है, चुनावी नतीजे आते आते कई चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो भी परिणाम होगा न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आएगा और उसका विश्लेषण आपके बीच में लेके आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, धन्यवाद।